हेलो फ्रेंड्स, मॉडलिंग प्लेस पार्ट टू में हम लोग को, जैसा कि हमने पार्ट वन में आपको बताया था किस तरह से ब्लेंड कमांड और कैसे एक्सट्रूजन कमांड को यूज़ करते हैं, पार्ट टू में हम लोग को देखना है किस तरह से हम लोग अपने स्वीप कमांड्स एंड सम अदर्स कमांड्स लाइक स्वीप ब्लेंड्स, इन कमांड को कैसे यूज करेंगे। उसके सबसे पहले हम लोग रिवॉल्व कमांड देखेंगे। रिवॉल्व कमांड को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मॉडलिंग प्लेस पर जाइए दोस्तों। तो यहाँ पर केसवर पर गया और केसवर पर जाके ओके किया और जैसे इसको ओके कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो सबसे पहली कमांड है रिवॉल्व। रिवॉल्व क्या करता है, ये मटेरियल को 360 पर रोटेट करता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने एक सपोज एक लाइन मैंने तैयार किया और इस तरह से मैंने इस लाइन को और यहाँ से मैंने एक स्पाइन लाइन लिया कुछ इस तरह से। इस तरह से ऑब्जेक्ट को मिले मिला था। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसका चेंजिंग करना चाहिए। तो इस तरह से हम जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारे थिंकिंग में ऑब्जेक्ट आए उस ऑब्जेक्ट को हमारे इस तरह से बनाने की कोशिश करो। और ये बनाने के बाद आपको इसको, अगर मटेरियल इसको 360 पर रोटेट करने के लिए यहाँ पे एक्सिस लाइन पे क्लिक करो दोस्त। यहाँ पे एक्सिस लाइन पे क्लिक करने के बाद यार आपको जस्ट यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना होगा। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे देखो ये 360 के एंगल पे आपको मटेरियल बना के दे देगा। और आप देखेंगे तो एक अच्छा सा एक लट्टू ऐसा से कुछ बना के दे दिया इस तरह से इसे, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमको क्या बोलते हैं अपना रेलिंग का बनाना है, रेलिंग बनाना है, रेलिंग में ब्लस्टर्स बनाने, तो आप ब्लस्टर्स को इजली इससे बना सकते हैं। लैम्प बना सकते हैं इससे फ्रेंड्स, लैम्प भी आपका बहुत अच्छा बन सकता है इससे। और भी वेरी अदर्स लाइक आप ऑब्जेक्ट इसके थ्रू बना सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर केसवर पे, फिर से हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज़ आर स्विप कमांड। स्विप कमांड क्या करता है, स्विप पाथ को फॉलो करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा लोग कंफ्यूज रहते हैं, देखिए करना कैसे स्विप कमांड को। स्केच पाथ पे क्लिक करना हो, पाथ पे स्केच करने के बाद सबसे पहले आप इसको पाथ दीजिए, जो भी आप इसको पाथ देना चाहते हैं, जहाँ जहाँ आप ऑब्जेक्ट को लगाना चाहते हैं इस तरह से। आफ्टर पाथ जस्ट फिनिश करिए और फिनिश करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट प्रोफाइल पर क्लिक करिए और यहाँ पर फिर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करिए। जैसे एडिट प्रोफाइल क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा किसी एलिवेशन में जाने को, तो यहाँ पे इस एलिवेशन में आप देख रहे हैं, देखने के साथ प्रैक्टिस करते रहिए तब ज़्यादा बेटर होगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, आप क्या करेंगे ये ऑब्जेक्ट उस पूरे और इस पैलाइन पर आपको लाइक पाथ को फॉलो कर जाएगा। अब आप देखेंगे अगर इसको फिनिश करके तो एक अच्छा सा एक ऑब्जेक्ट आपके सामने तैयार हो गया है। इसको 3D में देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से देखा हमने तो क्या किया इसने, एक पाथ को फॉलो कर लिया। देखिए इस तरह से हमारी स्पाइलाइन थी, उस स्पाइलाइन के ऊपर इजली हम लोगों ने एक स्विप कमांड को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब स्विप कमांड का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सपोज आपको वायर बनाना है, ठीक है। वायर बनाने के लिए आप एक छोटा सर्किल लीजिए, एक बड़ा लाइन लीजिए और इजली उस पर रोटेट करें। स्प्रिंग बनाना है एंड मेनी अदर्स ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी थिंकिंग और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या इससे बना सकते हो फ्रेंड्स। एंड देयर नेक्स्ट वन इज आर लास्ट एक्सट्रूजन कमांड इज स्विप। नेक्स्ट वन इज योर सी फर्स्ट गिवन नेम, नेक्स्ट वन इज योर स्विप ब्लेंड। स्विप ब्लेंड इज जस्ट लाइक स्विप बस समथिंग इज डिफरेंट दिया। लाइक सपोज हमने यहाँ पे एक स्विप ब्लेंड लिया, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट प्रोफाइल पे स्केच पाथ पे क्लिक किया, तो सबसे पहले तो आपको पाथ देना है जैसे आपने स्विप कमांड में दिया था। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो पाथ की डिमांड है, लाइक आपको दो पाथ देने पड़ेंगे। तो हमने इस तरह से पाथ देने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिनिश किया तो यहाँ पे देखेंगे तो सेलेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन एडिट प्रोफाइल। जैसे आपने एडिट प्रोफाइल किया, इसने एलिवेशन पूछा आपसे, एलिवेशन देने के बाद ओपन व्यू किया, ओके। एंड आफ्टर इट जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप इस साइड का पाथ, सपोज वन साइड आपने रेक्टेंगल दे दिया फिनिश किया एंड सेकेंड साइड आप एक साइड का ऑब्जेक्ट देने के बाद आपको यहाँ पे दूसरे साइड के लिए कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि हमने इस साइड पे हमने एक रेक्टेंगल लगाया तो इस साइड पे हमने एक छोटा सा सर्किल लगा दिया फ्रेंड्स। जो भी आपको सर्किल का रेडियस रखना है आप सर्कल का रेडियस रख सकते हैं। जैसे कि अभी इस सर्किल का रेडियस बहुत ज़्यादा है तो हमने इसको कर दिया 5 फीट पकड़ के हमने इस तरह से एंटर कर दिया। अब जैसे आप इसको फिनिश करेंगे और फिनिश करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिनिश का, तो जैसे फिनिश करेंगे और फिनिश करके आप इसको देखेंगे तो एक तरफ आपका ये ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल होगा और दूसरी तरफ ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर होगा इस तरह से। तो हमने जैसे कि यहाँ पर बात दिया था कि यहाँ पर हमारा ये सर्कुलर हो गया और इधर की ओर रेक्टेंगुलर हो गया। ये इस तरह से के ऑब्जेक्ट्स को बना के आप अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर कॉलम्स तैयार कर सकते हो फ्रेंड्स। एंड ऑब्जेक्ट कॉलम के अलावा
अब बहुत से अलग अलग जैसे सेल्फी स्टिक्स एंड मेनी अदर मटेरियल्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग मॉडल इन प्लेस के सारे कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग मटेरियल को लगाते हैं। उससे पहले एक वीडियो हमारा तैयार होने वाला है जो हमारे स्टेयर्स के बारे में डिस्कस करेगा। स्टेयर्स एंड स्टेयर्स के साथ ही साथ आपको ब्लस्टर्स एंड रेलिंग के बारे में डिस्कस करके देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड जय हिंद अगेन।